झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी एक से एक नायाब प्रयोग कोरोना संक्रमण के इस दौर में कर रहे हैं। एक तरफ जहां वो अपने वेतन के 3 महीने का वेतन कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं, तो वहीं गरीबों के बीच जाकर वो उनकी सहायता भी कर रहे हैं। अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्लाज्मा ऐप डिजाइन कराया है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा मिलने में आसानी होगी। कोरोना के मरीज आसानी से ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और प्लाज्मा ले सकते हैं। आज मैंने प्लाज्मा ऐप मैं बनाने जा रहा हूँ, कई लोगों से मेरी वार्ता हुई है और उस पर एक डाटा बेस हम तैयार करेंगे। और जो 3 महीना पहले जिनका इलाज हो चुका है, जो ठीक ठाक हो चुके हैं, उनका ब्लड अगर रिक्वायरमेंट किसी को हो तो मैं उसी डाटा बेस से कलेक्ट करा कर मैं ऑनलाइन कराऊँगा और वहाँ तक ब्लड पहुँचाने का काम मैं करूँगा। आपने देखा होगा कि आज हर तरह का पहल की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर हूँ, देखिए अभी मैं जा रहा हूँ एरिया, कई फ़ोन आ चुके हैं कि बीमारी में उनकी सेवा देने जा रहा हूँ। इससे पूर्व भी आपने देखा हो 25 लाख मैंने दिया, सिलेंडर मुहैया करा रहा हूँ, किसी को ऑक्सीजन है ऑक्सीजन दे रहा हूँ, दवाइयाँ मैं दिला रहा हूँ, गाँव गाँव में दवाइयाँ मैं पहुँचवा रहा हूँ। तो मोटो क्या है मेरा, लोगों की जान बचाना। और इस कड़ी में नेताओं को आगे आना चाहिए। कुछ नेता घर में बंद जान बचा रहे हैं, अरे भाई क्या जान बचा रहा, जनता ने आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया है, कुछ जान रखे क्या कीजिएगा। जनता की दुआ रहेगी तो जान ढेर बच जाएगा आप लोग का। इरफान से कहाँ कुछ हो रहा है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि हमारे युवा रक्तदान से अनेकों की जिंदगी बचा रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में प्लाज्मा देने वालों की जरूरत है। कोरोना को मात देने वाले युवाओं को दूसरे की जिंदगियों को सुरक्षित करनी चाहिए। अधिक से अधिक युवा इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की जान आसानी से बचाई जा सकेगी। जामताड़ा से मुखर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।